दोस्तों कल हम लोग देखा Redmi 29th ऑफ अगस्त को Redmi का Note 8 एंड Note 8 Pro लॉन्च कर चुका है और लिटरली मानो या ना मानो ये फोन दो आकर कंप्लीट बैंड बजाकर रख दिया Oppo, Vivo, Realme, Samsung, Asus इसका था कंपनी के साथ। इवन Realme का Xiaomi का पहला जो फोन था Redmi Note 7 एंड Note 7 Pro, ये दो फोन को अगर देखोगे तो ये दो फोन से ये दो फोन का जो सक्सेसर बोल सकते हैं तो काफी अच्छा अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप नोटिस करोगे ये सेम टाइम में काफी हद तक एक सिमिलर टाइप का फोन हम लोग को देखने को मिलता है Realme की तरफ से, Realme XT, जो 28 ऑफ अगस्त को हम लोग इंडिया के ऊपर प्राइस के अलावा हर एक स्पेसिफिकेशन उस लोगों ने बोल दिया क्या क्या है, मतलब एक लॉन्च टाइप का इवेंट रखा था तो उसका दौरान इसका अभी प्राइस नहीं पता चला। बट वो दो फोन को अगर देखोगे मतलब Redmi Note 8 Pro एंड Realme XT तो आपको काफी सिमिलर परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगा। तो आज आपको ये वीडियो में बताऊंगा ये दो फोन के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, मतलब एकदम फेयर अनबायस्ड कंपैरिजन वीडियो होगा। उसका साथ आपको बोलूंगा आप कौन सा फोन ले सकते हैं, ये जो कंपैरिजन होता है ये दो फोन के अंदर जो कॉम्पिटिशन होता है उसका अंदर कौन विन होगा। तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। तो मेन वीडियो में जाने के पहले टेक सेवन चैनल से मैं सम्राट, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगने पर क्या करने पता है, वीडियो में प्लीज एक लाइक दे देना, उसके साथ चैनल में नए होने पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरह मिलते रहेगा वीडियो। और पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू, और वीडियो में पास में जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के पास में उसको दबा दीजिएगा तो इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। कुछ भी जानना है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो Redmi Note 8 Pro एंड Realme XT इसका अगर सबसे पहला हम लोग अगर डिस्प्ले देखेंगे, Redmi Note 8 Pro में हम लोग को 6.53 इंच का FHD Plus IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विथ एक डॉट नॉच, मतलब इधर आपको एक डॉट नॉच देखने को मिलेगा जिधर आपको कैमरा हाउसिंग होने देखने को मिलेगा। ये जो LCD है इधर आपको TUV सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा जो बेसिकली आपका आंख के ऊपर जो स्ट्रेस आता है ब्लू लाइट फिल्टर गेमिंग की टाइम में तो कोई भी काम करने का टाइम उसको बहुत लो करने में हेल्प करेगा। इधर आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा ये डिस्प्ले के ऊपर। ठीक ऐसे अगर हम लोग Realme XT को देखेंगे तो Realme XT में हम लोग को 6.4 इंच का FHD Plus AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मतलब इसमें आपको काफी अच्छे AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। उसका साथ इधर आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा एंड इधर आपको एक डियो ड्रॉप टाइप का नॉच देखने को मिलेगा जिसमें आपको इधर भी फ्रंट कैमरा हाउसिंग होने देखने को मिल जाएगा। Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, इसके साथ ये डिस्प्ले में आपको DC डिमिंग की तरह फीचर देखने को मिल जाएगा। DC डिमिंग बेसिकली होता है ये जो AMOLED डिस्प्ले अगर आप ब्राइटनेस हाई एंड लो करने जाते हो तो उस टाइम में एक फ्लिकरिंग की तरह प्रॉब्लम होता है। इवन काफी सारा टाइम एक थोड़ा ब्राइटनेस लो करने पर फ्लिकरिंग होता है, ये सब प्रॉब्लम के लिए ये जो डीसी डिमिंग है ये इसको फिक्स कर देगा। नेक्स्टली अगर हम लोग ये दो फोन का सबसे जो हाईलाइटेड है इसका प्रोसेसर को अगर देखेंगे तो Realme XT में हम लोग को Snapdragon 712 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो काफी अच्छा काफी पावरफुल Snapdragon की तरफ से एक मिड रेंजर प्रोसेसर है। ये फोन से आप 180 के आसपास आपको Antutu बेंचमार्क देखने को मिल जाएगा। और गेमिंग की बात किया जाए तो इधर Adreno 616 रहने पर इधर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। ठीक ऐसा अगर हम लोग Redmi Note 8 Pro को देखेंगे तो Redmi Note 8 Pro ये सेगमेंट को कंप्लीट किल करके रख दिया हर एक कंपनी को, मतलब इधर आपको देखने को मिल रहा है MediaTek का G90T। MediaTek का ये बहुत ही रिसेंटली लॉन्च किया था और उस टाइम में Xiaomi बोल दिया था वो एक नया फोन ले आ रहा है ये प्रोसेसर के साथ, और ये प्रोसेसर बेसिकली ये गेमिंग की तरह प्रोसेसर है जिसमें आपको ओवरऑल जो परफॉर्मेंस इसका कंप्लीट किल करने वाली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसको रिगार्डिंग हम लोग ऑल डिटेल्स में वीडियो बनाया G90T को एंड G90 को लेकर, तो आप कार्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो G90T इधर आपको 2,80,000 का ऊपर आपको Antutu बेंचमार्क देखने को मिल जाएगा जो आपको ओवरऑल जो परफॉर्मेंस गेमिंग का वो कंप्लीट टॉप नॉच आपको देखने को मिलेगा। डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको किसी तरह हैंग लैग फ्रेम ड्रॉप वो सब भूल जाओ, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो ये एरिया में हम लोग को Redmi Note 8 Pro को विन होते देखने को मिलेगा। नेक्स्टली अगर कैमरा देखेंगे तो दोनों फोन में मोर ऑर लेस एकदम सिमिलर, मतलब एकदम मैंने कॉपी टू कॉपी देखेंगे तो एकदम सिमिलर प्रोसेसर कैमरा देखने को मिलेगा। जिधर आपको प्राइमरी जो कैमरा है दोनों में 64 मेगापिक्सल का GW1 सैमसंग के ISOCELL सेंसर यूज किया गया जो पिक्सल बेनिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। दोनों का एपर्चर f1.8 देखने को मिलेगा। पिक्सल काउंट की बात किया जाए तो 1.6 माइक्रोन आपको पिक्सल काउंट देखने को मिलेगा पिक्सल बेनिंग से जब आप 16 मेगापिक्सल के पिक्सल फोटो खींचेंगे। और उसके साथ सेंसर की साइज बोला जाए तो GW1 सेंसर की साइज 1/1.7 इंच का सेंसर देखने को मिलेगा जो आपको प्रीवियस GD1 सेंसर ना GM1 सेंसर जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर से उससे 35% से भी ज्यादा आपको बड़ा ये सेंसर देखने को मिल जाएगा।
जो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैमरा के आपको दोनों फोन से एकदम टॉप नॉच देखने को मिलेगा। उसके साथ सेकेंडरी दोनों में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा f2.2 अपर्चर के साथ एंड पिक्सल काउंट 1.12 माइक्रोन का। एंड जो फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे तो रियलमी के में आपको 118 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाएगा। तब अगर आप रेडमी नोट 8 प्रो को देखेंगे तो 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। 2 मेगापिक्सल का दोनों में आपको डेप्थ सेंसिंग सेंसर जो बेसिकली पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींचने में हेल्प करेगा। 2 मेगापिक्सल का आपको इधर मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। जो मैक्रो सेंसर के अगर आप मैक्रो का सेंसर का जो डिस्टेंस बोलेंगे मतलब इसमें आपको रियलमी में आपको 4 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा और ठीक ऐसा अगर हम लोग रेडमी नोट 8 प्रो में देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है हम लोग फोटो खींच सकते हैं। मतलब आप रेडमी नोट 8 प्रो का 2 मेगापिक्सल से और भी अच्छे से मैक्रो फोटोग्राफी कर पाएंगे। नेक्स्टली अगर हम लोग इसका फ्रंट कैमरा को देखेंगे तो फ्रंट कैमरा की बात किया जाए तो रियलमी में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। रियलमी XT में 16 मेगापिक्सल का जो सेंसर यूज किया गया IMX का 471 सेंसर जो आपको OnePlus 7 Pro में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सेंसर है इसमें आपको जो अपर्चर तो बोल ही दिया और पिक्सल का 1.12 माइक्रो। ठीक ऐसा ही अगर हम लोग रियल रेडमी नोट 8 प्रो को देखेंगे तो उधर आपको 20 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर यूज किया गया। उस इधर भी आपको f2.0 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो फ्रंट कैमरा दोनों में एक ही है और कैमरा में मोरललेस दोनों ही एकदम ठीक ठाक एंड फ्लैगशिप आपको परफॉर्म करेगा। नेक्स्टली अगर हम लोग इसका बैटरी को देखेंगे तो रियलमी में आपको 4000 mAh मतलब 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड 20W बूक चार्ज 3.0 का सपोर्ट के साथ, जिधर आपको ओवरऑल जो बैटरी चार्ज आपको 75 मिनट के अंदर कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा 0 to 100%। ठीक ऐसे अगर हम लोग रेडमी नोट 8 प्रो को देखेंगे तो इधर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा। मतलब रेडमी का इतना दिन से नोट सीरीज के अंदर 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलता था उससे ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हम लोग देखेंगे। उसके साथ इधर भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा एंड इनबॉक्स आपको इधर भी 18W का चार्जर देखने को मिलेगा। ये फोन से आप अगर फुल चार्ज करेंगे तो आपको 2 घंटा के अंदर आपका फोन फुल चार्ज होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सेगमेंट में भी हम लोग दोनों की ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि एक दिन में इसका चार्जिंग का कैपेसिटी अच्छा देखने को मिलेगा रियलमी XT में, तब आपको रियल नोट 8 प्रो में आपको बैटरी का कैपेसिटी अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्टली अगर हम लोग इसका और भी कुछ एक्स्ट्रा फेसिफिकेशन एंड फीचर की बात किया जाए तो रियलमी में आपको एमोलेड डिस्प्ले होने पर इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, जो एक बोलना भूल गया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रियलमी में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा एंड विद इन 1 सेकंड के अंदर आपका फोन कंप्लीट अनलॉक होते देखने को मिलेगा। ठीक ऐसा ही जो रेडमी नोट 8 प्रो इधर आपको किसी तरह इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि LCD तो आपको बैक में फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट का एक्यूरेसी भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसका अलावा रेडमी का ये जो फोन है इसमें आपको काफी अच्छा अच्छा फीचर देखने को मिलेगा। जैसे आप इसमें 4G प्लस वाईफाई मतलब आप नेटवर्क प्लस वाईफाई सेम टाइम यूज करके आपका नेट कर पाएंगे नहीं तो गेम खेल पाएंगे, जिसमें आपको ओवरऑल जो आपका गेमिंग की टाइम जो लेटेंसी है वो बहुत ही लो करने का हेल्प करेगा। उसके साथ बैड सिग्नल एंटेना नाम का कोई एक चीज इधर है, मैं और भी देख कर एक बार बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्या है एंटीलॉक एंटेना। तो एंटीलॉक एंटेना क्या करेगा, अगर आप कोई नेटवर्क एरिया में है जिधर आपको ओवरऑल जो नेटवर्क कंडीशन काफी वीक है उस टाइम अगर आप गेम खेलेंगे नहीं तो जो ऑनलाइन में जिधर आपको पिंग एंड लेटेंसी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट काज करता है उस टाइम आपको बहुत लो लेटेंसी देखने को मिलेगा कंपेयर टू और एक फोन में जब आप सेम काम करेंगे उसमें आपको बहुत ही ज्यादा लेटेंसी देखने को मिलेगा। तो इस तरह का काफी अच्छा अच्छा फीचर देखने को मिलेगा। रियलमी का रेडमी नोट 8 प्रो में G90T है और G90T में आपको काफी अच्छा गेमिंग रिलेटेड फीचर देखने को मिलेगा, जैसा इसमें नाइट मोड देखने को मिलेगा गेमिंग की टाइम। मतलब अगर आप नाइट में बहुत कोई एरिया में आपका बहुत ही ज्यादा अंधेरा देखने को मिलेगा गेमिंग में तो उस एरिया को काफी ब्राइट कर देगा जिसमें आपको एनिमी को काफी अच्छे से स्पॉट कर पाएंगे। तो इस तरह का काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों फोन का प्राइस भी दोनों तरह का देखने को मिलेगा। 4+64 रियलमी XT का जो प्राइस रखा जाएगा वो अभी तक किसी तरह रिवील नहीं किया, बट हम लोग को लग रहा है इसको प्राइस 15-16,000 होगा। ठीक ऐसा अगर हम रेडमी नोट 8 प्रो का बेस वेरिएंट 6+64 देखेंगे तो ये चाइना में लॉन्च हुआ 1399 युआन, मतलब ये 14,000 चाइनीज प्राइस के अंदर लॉन्च हुआ। तो इंडिया में जब ये फोन आएगा तो ये फोन आएगा 15,000 के अंदर और ये फोन लॉन्च होने का चांस हम लोग देख रहे हैं सेप्टेम्बर में ये फोन लॉन्च होने का चांस बहुत ही लो है, ये अक्टूबर में इंडिया के ऊपर लॉन्च होता है आपको देखने को मिलेगा 15,000 के अंदर। ठीक ऐसा रियलमी XT जो आपको बहुत ही जल्द
इसका प्राइस रिवील किया जाएगा और लग रहा है ये 15,000 टू 16,000 के अंदर आएगा। तो इस टाइम में देखा जाए तो ऑब्वियसली रियलमी XT अच्छा फोन होने पर भी कुछ कुछ एरिया में ट्रबल फेस करेगा, क्योंकि रेडमी का नोट 8 का जो सबसे परफॉर्मेंस है, नोट 8 प्रो का जो सबसे अच्छा चीज़ है इसका प्राइस, ये आपको 14,000 to 15,000 के अंदर इंडिया के देखने को मिलेगा। तब अगर आप देखोगे रियलमी XT अगर देखोगे रियलमी 5 प्रो एंड रियलमी का जो एक से इसका बीच में प्रेजेंट करेगा, तो उससे देखा जाए तो Realme XT का प्राइस हो सकता है 15,000 to 16,000 to 17,000 के अंदर। तो इस टाइम में अगर देखोगे, अगर Realme को ये फोन सेल करना है तो उसके पास एक से दो महीना की आसपास टाइम है, उसके बाद ये फोन सेल नहीं होगा अगर इसका प्राइस 15,000 से ऊपर होगा, क्योंकि उससे बेटर आपको अल्टरनेटिव Redmi Note 8 Pro मिलेगा। तो इसके लिए मैं बोलूंगा अगर Realme XT का प्राइस आपको 15,000 होता है तो ऑब्वियसली ग्रेट चॉइस होगा, आप Realme XT चूज कर सकते हैं, नहीं तो Redmi Note 8 आपको 15,000 के मिलेगा तो आप इसको चूज कर पाएंगे, उसके लिए आपको दो महीना वेट करना पड़ेगा। तो आपको क्या राय है, कौन सा फोन आपको लेना है? मेरा पास तो देखा जाए तो ऑब्वियसली अभी मेरा पास Redmi Note 8 Pro ही विनर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने में प्लीज वीडियो में एक लाइक दे देना, हम लोग ये वीडियो में लाइक का टारगेट रखे ओनली 10 और उसके साथ चैनल में नया होने पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू, और ये वीडियो रिगार्डिंग आपको कुछ भी जानना है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करो फ्रेंड कॉलिंग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ। फिर नया वीडियो मुलाकात, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा एंड बाय बाय।